नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखें। ये जो सारे शब्द हमें दिए गए हैं उसको अपने सही रूप में लिखना है। तो सबसे पहले शब्दकोश में क्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, क्या आएगा सबसे पहले? आश्चर्य। क्या आएगा? आश्चर्य। सबसे पहले स्वर आता है, उसके बाद व्यंजन आता है। तो सबसे पहले लिखिए आश्चर्य। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा कौन सा आएगा आश्चर्य के बाद? तो इसीलिए। अगला कौन सा आएगा? लुटेरा। फिर कौन सा आएगा? वफादार। अगला कौन सा आएगा? वापस। और लास्ट है सुंदर। आपको अपनी नोटबुक में ये पहले प्रश्न और फिर उसके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हमारा अगला है कि इसको सिर्फ आपको अपनी तरह से इसके उत्तर देने हैं कि यदि आप होते तो क्या करते, आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते। पहला है कि कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए, सेठ की जगह आप होते तो क्या करते। तो ये आपको अपनी तरह से बताना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया, लाखा की जगह आप होते तो ऐसे करते, जल्दबाजी में निर्णय कुछ लेते या फिर सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप पहले कुत्ते से मिलते। यदि जो भी आपको सही लगे वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़िए हंसिए और सही शब्द लिखिए। पढ़िए हंसिए और सही शब्द लिखिए। यहाँ पर सब जगह दो दो शब्द दिए गए हैं, लेकिन एक सही है और दूसरा है कि जिससे आप पढ़ोगे कि तो आपको हंसी आएगी कि ऐसे भी शब्द होते हैं। तो इसी जो गलत शब्द है उसको सही रूप में हम यहाँ पर लिखना है। तो पहले देखिए राजा, तो राजा के साथ क्या है? राजी। राजी आता है? नहीं आता। क्या आता है? रानी। तो राजा और रानी। अब दूसरा है ग्वाला, तो ग्वाला के साथ क्या आएगा? ग्वाली। ग्वाली नहीं, क्या आएगा? ग्वालिन। तो आप यहाँ पर लिखिए ग्वालिन, ग्वाला और ग्वाली। फिर है अभिनेता, तो अभिनेती ऐसा आता है। अभिनेता के साथ क्या आएगा? अभिनेत्री। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसा लिखिए अभिनेत्री। फिर है रानी, रानी के साथ राणा, रानी के साथ क्या आएगा? हाँ, पहला ही दिया गया है राजा, रानी और राजा। फिर है शेरनी, तो शेरा, शेरनी के साथ शेरा आएगा? नहीं, शेरनी के साथ क्या आएगा? शेर, शेरनी और शेर। अब दूसरा है सुनार और सोनारा, सुनार और सोनारा, सोनारा है सुनारीन। क्या आएगा सही शब्द? सुनारीन। ऊंट, ऊंटी, ऊंट के साथ क्या आएगा? ऊंटनी। क्या आएगा? ऊंटनी। फिर है लुटेरा और लुटेर, तो लुटेरा के साथ क्या आएगा? लुटेरीन। फिर है बंजारा और बंजारी, बंजारा के साथ बंजारीन। सेठ और सेठी, सेठ के साथ सेठानी। अब ये देखिए हमारा अगला है कि ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ पर हमें जो अगली कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी उसके जैसे ही कुछ कहानी और है। अब सबको तो ऐसे कुछ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके पर से आपको सारी कहानी बनानी है। पहले आप सब लोग ये ढांचा देखिए क्या है। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, फिर है सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को साथ साथ इसकी लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी एक इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का एक लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ जाना। अब ये सारे जो शब्द वाक्य दिए गए उसके पर से हमें सारी एक कहानी
बनानी है। तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही कहानी मैं सिर्फ बोलूंगी और आपको बताऊंगी, आपको अपनी तरफ से ऐसी ही कहानी जो मैं बोलूंगी वैसे ही आपको लिखना है। तो सिर्फ सुनिएगा, इस कहानी में सबसे पहले हमें इसका शीर्षक देना है। तो शीर्षक क्या देंगे हम? सेठ की चतुराई। सिर्फ आप लोग पहले सुनिएगा मैं क्या कहानी बताती हूँ, फिर आप लोग अपनी तरह से इस कहानी को लिखिएगा। सुंदरनगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठ जी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम में चले गए। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। देखा एक नौकर द्वारा हार की चोरी, तो उस चोर ने हार चुरा लेता है। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात बताई तो सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार चोरी कबूल नहीं किया। कोई चोर चोरी कबूल करता है नहीं करता है, घर में से ही चोरी हुई थी लेकिन किसी नौकर ने ये बात कबूल नहीं की कि मैंने चोरी की थी। फिर सेठ है वो बुद्धिमान था, सेठ ने एक युक्ति बनाई और उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा कि देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल लाकर मुझे दिखाना, जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएंगी। वो कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी लेकिन सेठ ने अपनी बुद्धि से युक्ति बताई और सभी नौकरों को ये 7-7 इंच की लकड़ी देते हैं। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर जाते हैं। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार चोरी की है इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, क्यों ना मैं इस लकड़ी का 1 इंच काट दूँ, तो 1 इंच बढ़ने पर ही वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी एक लकड़ी 1 इंच काट दी थी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी लेकिन एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी क्योंकि वह जादू की कोई छड़ी नहीं थी, लेकिन जो चोर है उसको डर गया था कि कहीं मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ गई तो, इसलिए वह 1 इंच लकड़ी काट देता है। तो सभी नौकरों में और उस चोर की लकड़ी में 1 इंच कम हो जाता है। फिर सेठ ने उसे हार वापस लिया और नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार चुराने वाले को पकड़ लिया। तो ये हमारी कहानी थी। तो मैंने जैसा बोला आपको अपनी तरह से और ऐसे भी आप अपनी कहानी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। थैंक यू।